ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रायबरेली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस विधायक अति सिंह ने निशाना साधा, अति ने अपनी पार्टी के खिलाफ ट्वीट किया। बसों को लेकर हो रही राजनीति पर निशाना साधा, कांग्रेस द्वारा भेजी गई बसों की सूची को बताया फर्जी, छात्रों को वापस लाने पर सीएम योगी की तारीफ की। तो आपको बता दें, कांग्रेस विधायक अति सिंह ने निशाना साधा है अपनी ही पार्टी पर। जिस तरीके से बगावत लगातार अति सिंह करती आ रही हैं, उसका एक और नमूना सामने आया। अखिल श्रीवास्तव हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं, अखिल से जानना चाहेंगे। अखिल, ये जो खबर सामने आ रही है, लगातार बगावती तेवर अदिति सिंह के दिखाई देते रहे हैं और एक बार फिर उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की है और अपनी ही पार्टी को ठेंगा दिखाया है। जी बिल्कुल, हीना बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से विधायक अदिति सिंह का ये ट्विटर हैंडल से जो ट्वीट हुआ, उसमें साफ साफ कांग्रेस से उनकी नाराजगी साफ जाहिर हो रही है। क्योंकि जिस प्रकार से बीते दिन कांग्रेस द्वारा जारी किए गए 1000 बसों की लिस्ट में गाड़ी, कार व कई ऐसे साधन थे जिनके नंबर देखने को मिले, उससे कहीं ना कहीं एक फर्जीवाड़ा सामने आया, जिसको लेकर कांग्रेस के विधायक अदिति सिंह ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए इस ट्वीट को किया। वहीं इस बात को भी कहा एक ट्वीट में कि कोटा से लाए गए छात्रों के लिए केवल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व भाजपा की सरकार ने कवायद की है और उसी को लेकर कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया। सबसे बड़ा सवाल तो ये कि विधायक जब कांग्रेस से हैं तो कांग्रेस से इतनी नाराजगी क्यों? आखिर किस गतिविधि को लेकर कांग्रेस की जो सदस्य विधायक है अदिति सिंह रायबरेली से, वो किस नाराजगी को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर कर रही है? तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया। खैर,